Now, the next type of disorder is schizophrenoform disorder. Schizophrenoform disorder, as the name indicates, again, type of schizophrenia. लेकिन इसमें हम देखेंगे कि फर्क क्या है schizophrenia में और schizophrenoform में, और ये बड़े थोड़े थोड़े फर्क हैं जो एक clinician या एक clinical psychologist और psychiatrist और whoever mental health professional जो इनको diagnose करने जा रहा है उसको ये जहन में रखने चाहिए. सो पहला, सबसे पहला पैरामीटर तो वही है जो कि शिजोफ्रेनिया का है, कि इसमें टू और मोर सिम्टम्स एंड वन ऑफ दोज मस्ट बी फ्रॉम वन टू एंड थ्री, दैट इज डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर और कैटाटोनिक बिहेवियर, एंड फिफ्थ इज नेगेटिव सिम्टम्स. सो बेसिकली पहला क्राइटेरिया वही है जो कि शिजोफ्रेनिया का है. सेकेंड जो है उसमें थोड़ा फर्क है, उसमें बल्कि मेन फर्क उसी में है कि अगर ड्यूरेशन 6 महीने से कम है और ये सिम्टम्स वो रिपोर्ट कर रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स, तो आप उसे शिजोफ्रेनिया डायग्नोज नहीं करेंगे बल्कि उसे शिजोफ्रेनोफॉर्म डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे. शिजोफ्रेनिया में हमने देखा कि कम से कम 6 महीने तक उसकी वो सिम्टम्स होनी चाहिए. यहां हमने देखा कि एटलीस्ट 1 मंथ बट लेस देन 6 मंथ्स. सो कम अज कम 1 से 6 महीने के दौरान अगर वो ये सिम्टम्स रिपोर्ट कर रहा है या वो एक्सपीरियंस कर रहा है या फैमिली कह रही है कि इसको इतनी देर से है, तो देन शिजोफ्रेनिया के बजाय आप शिजोफ्रेनोफॉर्म डिसऑर्डर डायग्नोस करेंगे. और अगेन इट्स नॉट एट्रीब्यूटेड टू फिजिकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस एन अदर मेडिकल कंडीशन और एनी अदर मेंटल डिसऑर्डर. सो ये आपने रूल आउट करना है. स्पेसिफायर्स जो है उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा. अगेन अगर वो हो रहा है, मतलब कंटिन्यूटी में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली 1 ईयर नहीं है, कि इसलिए 1 ईयर नहीं है कि इसमें आपका यू नो ड्यूरेशन कम है, 1 महीने से 6 महीने तक है. सो यू हैव टू स्पेसिफाई वेदर विद गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स. विद गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स अगर उसके हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो शिजोफ्रेनिया की शक्ल नहीं लेगा. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट एंड ऑल्सो टू स्पेसिफाई इफ विद कैटाटोनिया. स्पेसिफाई करंट सिवेरिटी ऑफ द डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू क्लिनिशन रिलेटेड डायमेंशन ऑफ साइकोटिक सिम्टम्स सिवेरिटी. लेकिन इसमें भी आप नोट करें कि अगेन सिवेरिटी इज नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर डायग्नोसिस. अगर पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है सिम्टम्स, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिम्टम्स का मिक्सचर, तो देन यू विल डायग्नोज विदाउट मे बी कंसिडरिंग. अगर अपनी नहीं भी फॉर्मल असेसमेंट कर रहे फॉर सिवेरिटी की, वो लेटर ऑन हो सकती है, लेकिन डायग्नोसिस आप कर दें ताकि पेशेंट की इंटरवेंशन जो है या उसका इलाज जो है वो शुरू हो सके.